गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा बीबी डॉट नेट में है वो है बीबी डॉट नेट लूप्स। कौन कौन से लूप्स होते हैं, इस लूप पे हम अपन बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं और बता दूँ आप लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, जैसे फॉर्म में कोई उनको प्रोग्राम ओपन करना, तो वो क्या करते हैं, जैसे जहाँ जिस लोकेशन पर सेव है प्रोग्राम, उस लोकेशन पर गए और उसके बाद वो क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम पर गए, इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं इन फॉर्म पर। जैसे इस फॉर्म पे क्लिक कर दिया तो ये फॉर्म तो ओपन हो जाएगा आपका, पर ये फॉर्म रन नहीं होगा। ये देखिए, अब वो कहते हैं हमारा सर रन नहीं आ रहा, डिजाइन क्यों नहीं आ रहा, तो इस टाइप से करते हैं, तो ये गलत है। इसको आप इस तरीके से ओपन नहीं करेंगे। अगर किसी प्रोग्राम को ओपन करने का तरीका है तो उसके बाहर देखिए ये जो फाइल बनी होती है, इस सोल्यूशन फाइल को ओपन करिए। किस फाइल को ओपन करिए, सोल्यूशन फाइल को ओपन करिए, तब जाके आपके सारे फॉर्म जो भी आपने बनाया वो सारी चीज़ें आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म को रन नहीं कराएं, इसमें सॉल्यूशन फाइल को रन कराइए। देखिए आगे, अब आप देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गई होंगी। क्लियर? तो इस टाइप से हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, ओपन कराते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? इस टाइप से हम इसमें अब अपन क्या करते हैं, आज एक पहले एक प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं कलर चेंज करने का। तो यहाँ पर मैंने दे दिया डेमो कलर चेंज, कलर चेंज किसका, डेमो कलर चेंज। ठीक है, अब एक फॉर्म अपन रखते हैं, अब इस फॉर्म पे अपन बटन्स रखते हैं। चार, कितनी बटन्स रखते हैं, फोर बटन्स रखते हैं, 1 2 फोर बटन्स। ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। जैसे अपने दिया इसका रेड, क्या दिया रेड, इसका फोर कलर भी अपन ने क्या कर दिया रेड। ठीक है, उसके बाद इसका नाम दे दिया अपन ने BTN रेड। क्या नाम दे दिया, BTN रेड। क्लियर? उसके बाद अपने दूसरी बटन ली, अब यहाँ पर इसका नाम दे दिया मान लो BTN ब्लू, क्या दे दिया ब्लू, और इसका अपन ने फोर कलर भी चेंज कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, इसका फोर कलर ब्लू, और यहाँ पर इसका दे दिया अपन ने क्या, उसके बाद अपन ने दे दिया इसका पिंक, और इसका फोर कलर भी हमने क्या दे दिया पिंक। और इसका नाम दे दिया अपन ने BTN पिंक। क्या नाम दे दिया अपन ने, BTN पिंक। क्लियर? उसके बाद अपन ने इसका नाम दे दिया मान लो येलो, येलो। ठीक, यहाँ पे भी इसका नाम दे दिया अपन ने येलो। ठीक है, कलर चेंज कर दिया फॉन्ट, यहाँ से अपन ने इसका कस्टम येलो ये दे दिया। अब अपन क्या चाहते हैं कि इन बटन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक फॉर्म का बैक कलर चेंज होना चाहिए। किसका कलर चेंज होना चाहिए, फॉर्म का बैक कलर चेंज होना चाहिए। तो अपन इस पर क्लिक किया और यहाँ दिया मी डॉट बैक कलर, हम डिजाइन टाइम कलर इक्वल टू डॉट रेड, कह दिया मी डॉट कलर इक्वल टू, इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक, इस पे कर दिया हमने येलो। ठीक है, और इस पे क्या कर दिया अपन ने पिंक, क्या कर दिया अब देख, रन कराइए। मी मतलब फॉर्म का नाम, जिस फॉर्म पे हम काम कर रहे हैं उसका क्या बैक कलर चेंज करना है, रन टाइम पे अपने प्रोग्राम को रन करा दिया।
प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। देखिए जिस बटन कर रहे हैं क्लिक उसी तरह से हमारे पास आ रहा है इस टाइप में, किसी का भी चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कलर चेंज प्रॉपर्टी रन टाइम पे, डिजाइन टाइम पे, दोनों टाइम पे हम प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। क्लियर, किसी का भी बैक कलर, बैकग्राउंड कलर, कुछ भी चेंज यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन दूसरा, आज अपन जो टॉपिक है अपना क्या है, लूपिंग। तो लूपिंग में सबसे पहले हमारे पास फॉर लूप आता है, इसको बोलते हैं फॉर नेस्ट, यानी फॉर से स्टार्ट होता है, नेस्ट से क्लोज होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन और फिर टू एंड वैल्यू और स्टेप वैल्यू कितने इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद अपने पास लूप। क्लियर, अब देखिए इसको लूप चलाते कैसे समझ लेते हैं प्रोग्राम को। राइट क्लिक किया अपने, यहाँ पे न्यू फॉर्म ले लिया, फॉर्म ले लिया, फॉर्म का नाम दे दिया, जैसे अपन ने यहाँ से एफ आर एम लो क्या दे दिया, एफ आर एम लो। ठीक है, ऐड कराया इसको अपन ने टूल बॉक्स, एक बटन ले लिया लूप के लिए, और वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स में मल्टीपल वैल्यू है इसलिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, मल्टी लाइन। तो प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको टेक्स्ट मल्टी लाइन है ना, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, मल्टी लाइन इक्वल टू ट्रू। अब आप इसको अपने हिसाब से फॉन्ट ले लीजिए, आप फॉन्ट चेंज कर लीजिए, प्रॉपर्टी में गए, बोल्ड। ठीक है, अब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी में गए, इसका नाम दे दिया आपने BTN फॉर, क्या दे दिया BTN फॉर। क्लियर, इसका नाम चेंज कर लिया आपने फॉर लूप, कौन सा। अब हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया, अब मान लो हमको एक से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है सिंपल, तो डिम आई एज इंटीगर, समझना आई एज इंटीगर फॉर आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करना है, से टू, कहाँ तक जाना है, 10 तक। एक नेक्स्ट आ गया ऑटोमेटिक, किसमें प्रिंट कराना है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने नहीं चेंज किया, तो राइट क्लिक किए, कहाँ गए प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स का हमने यहाँ से नाम चेंज कर दिया, जैसे हमने दे दिया TXT TXT लूप, क्या नाम देते हैं TXT लूप हमने किया TXT लूप डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लिया आई। न्यू लाइन के लिए आपको मालूम क्या लगाते हैं, BBCRF। ठीक है, कराया, रन कराया, तो अभी कौन सा फॉर्म रन कर रहा है, पहला वाला। दूसरा रन कराना है, प्रोजेक्ट में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ से स्टार्ट फॉर्म ले लेना, फॉर्म का कौन सा फॉर्म, फॉर्म लूप। क्लियर, अब देखिए लास्ट वैल्यू दे रहा है, पुरानी वैल्यू इसमें नहीं दे रहा है, तो आपको क्या बताया था हमने, जब उसी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जुड़वाते हैं तो यहाँ पे कौन सिंबल लगाते हैं, M% या लगा देते हैं अपन प्लस, क्या लगा देते, ये देखिए बल से देखिए 10 तक नंबर आपके प्रिंट हो गए। क्लियर, अब आप इसमें इंक्रीमेंट चलाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट कितने की इंक्रीमेंट, हम चाहते हैं कि हमें दो से एक टू से लेके 40 तक नंबर दे, पर इंक्रीमेंट कितने को, दो का, तो यहाँ आप लिखेंगे स्टेप टू, क्या लिख देंगे स्टेप टू, ये कितने की इंक्रीमेंट करेगा, दो का। ठीक है, आपको उल्टा लूप चलाना है तो कैसे दे सकते हैं, जैसे आपने दिया 100 1, बाय डिफॉल्ट कितने की इंक्रीमेंट करता, और यहाँ आप कर देंगे माइनस ना, अब ये उल्टा लूप चलेगा, ये देखिए उल्टा चलेगा, उल्टा चला बनता। ठीक है,
अगर आप स्क्रोल बार लाना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मिलेगी आपको स्क्रोल, स्क्रोल बार इक्वल टू आप कर दीजिए। अब आपको देखिए यहाँ पे स्क्रोल बार मिल जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से उल्टा चलाना है आपको। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यूजर कोई वैल्यू अगर इनपुट करे तो उसका हमें क्या प्रिंट करके दे, टेबल प्रिंट करके दे, टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अगर आप रन टाइम पे कोई वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट बॉक्स। किसका यूज करते हैं इनपुट, जैसे हमने दिया ए एज इंटीगर, और हमें रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करानी है, तो हम क्या इंटीगर इक्वल टू इनपुट बॉक्स, क्या देते हैं इनपुट बॉक्स, क्या देते हैं इनपुट बॉक्स, इसके अंदर देते हैं एंटर द वैल्यू, समझ लीजिए इसको एंटर द वैल्यू, ठीक है। अब देखिए रन कराएंगे, क्लिक करेंगे, देखिए इनपुट बॉक्स को लिया। अगर इसका टाइटल चेंज करना है आपको, क्या चेंज करना है, टाइटल, तो टाइटल भी दे सकते हैं आप, ठीक है, इसका आप क्या दे सकते हैं, टाइटल भी दे सकते हैं। टाइटल देने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे मैंने दिया एस आई सी एस, ठीक, और इसमें आप टाइटल आ गया। आप चाहते हैं इसके अंदर भी वैल्यू लिखी है तो आप इसके अंदर भी दे सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं इसके अंदर लिखे इनपुट वैल्यू, क्या लिखना चाहते हैं इनपुट वैल्यू, तो देखिए इसके अंदर भी आएगा, इधर आ गया इनपुट, क्लियर। अब ये हमारा क्या इनपुट हो, पर ये इसकी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, स्ट्रिंग में आती है। तो इसे अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो हमने उस दिन टाइप कास्टिंग पास, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सी एन। इस पूरे को आप किसमें कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक, उसके बाद डिम आई एज इंटीगर लूप चला दिए फॉर आई इक्वल टू वन टू कहाँ तक, टेन तक, किसमें टी एक्स टी लूप डॉट टेक्स्ट, और यहाँ क्या लगाएंगे, या तो एम परसेंट या प्लस, क्या देंगे आई इन टू ए, न्यू लाइन के लिए क्या होता है बी बी सी आर एल एफ, बी बी सी आर एल एफ। अब आप रन कराइए इसको, और अब आपने डाला जैसे फाइव, तो किसका टेबल प्रिंट कर देगा फाइव, आपने डाला एट, एट का टेबल, आपने डाला यहाँ पे नाइन, तो नाइन रन, किसी का भी आप टेबल यहाँ से इनपुट करा सकते हैं, क्लियर। एक प्रोग्राम आपके पास ही बन गया। अब हम चाहते हैं कि 10 नंबर यूजर इनपुट करें, उन 10 नंबर का अपन को क्या कराना है, सम कराना, 10 नंबर को सम कराने का प्रोग्राम यहाँ पे बनाना। हम यहाँ पे एक बटन और ले लेते हैं, टेक्स्ट ठीक, और यहाँ पे दे दिया सम, क्या दे दिया सम, और कितने नंबर यूजर इनपुट करें, 10 नंबर, 5 नंबर्स या 10 नंबर्स इनपुट करें, उन 10 नंबर्स का हमको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हमने यहाँ पे दे दिया बी टी एन सम, क्या दे दिया बी टी एन सम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया डिम सम, और एक हमने ले लिया नम एज इंटीजर, क्या दे दिया इंटीजर, सम की वैल्यू कितनी कर दी हमने एक, और एक लूप के लिए ले लिया, एक काय के ले लिया हमने लूप के लिए, हमने ले लिया यहाँ आई, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या सम इक्वल टू कर दिया जीरो, सम इक्वल टू क्या कर दिया हमने जीरो, क्लियर, सम इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हमने दे दिया फॉर आई इक्वल टू वन टू फाइव, और यहाँ पे हमने दे दिया नम इक्वल टू इनपुट वैल्यू, इनपुट कराने क्या बताया हमने इनपुट बॉक्स, यहाँ पे दे दिया हमने क्या एंटर द, एंटर द वैल्यू कॉमा टाइटल लगा दिया, जो भी आपको देना। इसको कन्वर्ट किस में करा लेंगे हम, सी एन टू, हमने यहाँ पे क्या दे दिया सी एन टाइप कास्टिंग के लिए बताया था ना आपको, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया
सम इक्वल टू सम प्लस नम हो गई वैल्यू। अब अपन किस में प्रिंट कराएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में, तो टी एक्स टी लूप डॉट टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोट में क्या दे देंगे सम और एम परसेंट लगा के किसको प्रिंट करा देंगे सम। अब देखिए रन करा दीजिए कितने, एंटर किया आ गया, आपने डाला 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12 ये देखिए 12 पंजे 60 क्या आ गया। इस टाइप से अपन इनको, ये हमारा किसका प्रोग्राम बन गया, सम का प्रोग्राम बन गया। क्लियर। अब जैसे अपन चाहते हैं प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सपोज दैट अपन चाहते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं अपन अभी, और एक अब जैसे मान लो सपोज अपन फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, किसका बनाना चाहते हैं फिबोनाची सीरीज का, तो रखा बटन राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, इसका नाम दे दिया हमने क्या फिबो, फिबो ठीक, और हमने इसका दे दिया बीटीएन फिबो। आपको मालूम है फिबोनाची सीरीज क्या होती है कि वन और टू से वैल्यू आपकी जीरो वन से स्टार्ट होती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया डिम ए बी, ये आपका दिया एफ वन एफ टू एफ थ्री ठीक, और एक आपने ले लिया आई एज इंटीगर, क्या दिया एज इंटीगर, क्लियर एज इंटीगर ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया एफ वन इक्वल टू जीरो और आपने कर दिया एफ टू इक्वल टू वन ठीक है, एफ जीरो इक्वल टू और टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट आपने क्या किया एफ वन की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, एम परसेंट लगा दीजिए डबल कोट स्पेस देने के लिए, और उसके बाद आपने क्या किया एफ टू की वैल्यू को प्रिंट करा, तो एम परसेंट एफ टू की वैल्यू को आपने प्रिंट कर दिया। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, लूप चला देना फॉर आई इक्वल टू वन, जहाँ से भी चाहिए टू, कितनी बार चाहिए अपन को फाइव टाइम्स, क्लियर। और यहाँ पर अपन ने क्या किया एफ क्या कहती है एफ थ्री इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू, क्या कहती है एफ टू, उसके बाद अपन ने क्या किया टी एक्स टी लूप डॉट टेक्स्ट प्लस इक्वल टू और अपन ने क्या किया एफ थ्री पे यहाँ से प्रिंट कर दिया ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी अगर स्पेस आए तो एम परसेंट लगा दीजिए आप यहाँ पे ठीक। अब आपने क्या किया एम परसेंट लगाया यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया क्या कि एफ वन इक्वल टू आपकी जो वैल्यू हो क्या हो जाए एफ टू हो जाए और एफ टू इक्वल टू आपका क्या हो जाए एफ थ्री हो जाए, जो आप सी में लगाते सी प्लस प्लस में लगाते, वैल्यू इंटरचेंज कर दी, रन करा है ये देखिए जीरो वन 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 टू वन थ्री, ये देखिए आपका फिबोनाची सीरीज का पूरा, आप यहाँ से चला दीजिए दस तक तो कितने नंबर प्रिंट कर देगा, दस तक के नंबर आपको प्रिंट करके यहाँ पे फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बन के आपको तैयार हो गया। ये आपने किसका प्रोग्राम बना लिया फिबोनाची सीरीज का ठीक है। उसके बाद क्लियर, ये आप इतना कर लेंगे, और कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए आप। चलिए अब एक और देख लेते हैं, पर जैसे अपन को नॉर्मल एक एक्सरसाइज और देख लेते हैं, जैसे अपन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है, किसका बनाना फैक्टोरियल का, तो अपन यहाँ टूल बॉक्स एक चीज और देख लीजिए आप लोग, जैसे आपने प्रोग्राम रन कर दिया और आपने क्या किया इसको बंद कर दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है पर कभी कभी क्या होता है एग्जीक्यूट होता है, हमने इसको मिनिमाइज कर दिया
और हम टूल बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए टूल बॉक्स ओपन करें, अब सर कहते हैं सर कंट्रोल नहीं मिल रहे, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो कंट्रोल कहाँ से मिलेगा, इसको पहले स्टॉप करिए, अब देखिए कंट्रोल मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब एक प्रोग्राम अपन किसका बनाते हैं, फैक्टोरियल का। उसका नाम दे दिया हमने फैक्टो, क्या नाम दे दिया फैक्टो, और इसका यहाँ पे दे दिया btn। ठीक, btn फैक्टो, अब इस पर क्लिक किया हमने तो dim, एक नम चाहिए एज इंटीगर, फिर एक dim चाहिए अपन को लूप के लिए, और एक चाहिए अपन को f, क्या के लिए f एज इंटीगर। ठीक, तो हमने क्या किया, नम इक्वल टू किसका चाहिए वैल्यू इनपुट करा है, इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू, कोई भी वैल्यू इनपुट करा लीजिए। यहाँ पे इसको किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा अपन को, सी इंट कन्वर्ट इंटीगर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया एफ इक्वल टू क्या कर दिया वन। अब फैक्टोरियल लॉजिक क्या, लूप कहाँ से लाना, आई इक्वल टू नॉ टू, कहाँ तक चले वन तक चले, कहाँ तक चले वन तक। स्टेप क्या होनी चाहिए, माइनस वन, यानी एक का क्या होना चाहिए डिक्रीमेंट। उसके बाद क्या किया एफ इक्वल टू एफ इंटू क्या कर दिया आपने आई, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, और इसके बाद आपने टी एक्स टी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए फैक्टो, बिल्कुल सी जैसा, सी प्लस प्लस जैसा है बिल्कुल। आप काम करिए, आपको इतनी स्मूथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चले गई है, आपको मजा आएगा काम करने। देखिए और रन करा दीजिए, क्लिक आ गया, क्लिक, आप तुरंत प्रोग्राम बना सकते, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तरीके काम चेंज करने के हो जाएंगे। तो ये आप प्रोग्राम बना लीजिए, कुछ प्रोग्राम्स मैं सेंड कर दूंगा, उन प्रोग्राम को आज आपको बनाना करिए आज, इसलिए ज़्यादा लूप नहीं पड़ा है, फिर दिक्कत आने लगती है, तो आप इतना काम आप लोग कर लीजिए। थैंक यू।